जो व्हाट वी हैव डिसाइडेड, जो हमने उदयपुर में डिसाइड किया, वो कांग्रेस पार्टी का एक कमिटमेंट है, तो आई एक्सपेक्ट दैट कमिटमेंट विल बी मेंटेन्ड। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इन शब्दों ने साफ कर दिया कि आप पार्टी एक व्यक्ति एक पद की राह पर आगे बढ़ेगी। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीधा संकेत है कि पार्टी अध्यक्ष और सीएम पद दोनों एक साथ नहीं रह सकते। राहुल ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि वे एक ऐतिहासिक पद ले रहे हैं, यह एक विचारधारा है। द कांग्रेस प्रेसिडेंट इज नॉट जस्ट एन ऑर्गेनाइजेशनल पोस्ट, द कांग्रेस प्रेसिडेंट इज ए आइडियोलॉजिकल पोस्ट, इट इज ए बिलीफ सिस्टम। सो माय एडवाइस वुड बी दैट whoever becomes Congress president should remember that he represents a set of ideas, he represents a belief system and he represents a vision of India. राहुल गांधी भले ही उदयपुर अधिवेशन में लिए गए एक व्यक्ति एक पद के फैसले को दोहरा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत कुछ अलग ही तर्क दे रहे हैं। बुधवार को अशोक गहलोत ने कहा कि अध्यक्ष पद एक व्यक्ति एक पद के दायरे में नहीं आता। क्या उन्होंने पास किया है, एक नॉमिनेट होते हैं वो दो पद होते हैं, जहाँ कोई हाईकमान नॉमिनेट करते हैं वो दो पद कहलाते हैं। ये चुनाव तो ओपन है सबके लिए, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव ओपन है, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता है। ये तो जो 9000 लोग हैं, 9000 में से कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है, चाहे वो MP है, MLA है, मंत्री है, मुख्यमंत्री है। कल वो कहते हैं राज्य का मंत्री मैं खड़ा होना चाहता हूँ, तो वो हो सकता है, वो मंत्री भी रह सकता है और कांग्रेस अध्यक्ष भी बन सकता है। हालांकि राहुल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके सुर बदल गए, उन्होंने अब सीएम का पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। आज तक से बातचीत में गहलोत ने कहा कि राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा है, अगर कोई कांग्रेस अध्यक्ष बनता है तो वह राज्य के सीएम के रूप में किस प्रकार काम कर पाएगा, यह कभी हुआ नहीं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि गहलोत के अध्यक्ष बनने के बाद सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन गहलोत अपने किसी करीबी को सीएम पद पर बैठाना चाहेंगे। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि गहलोत के सीएम पद छोड़ने के बाद अगर किसी तीसरे को सत्ता सौंपी जाती है तो ऐसे में पायलट बगावत कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस की हालत राजस्थान में भी पंजाब जैसी हो सकती है, लिहाजा पार्टी हाईकमान को सोच समझ कर फैसला लेना होगा।